आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस खबर के प्रायोजक हैं अयान मोबाइल सेंटर। अयान मोबाइल सेंटर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर केडीएम व अर्बन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। पता आदर्श नगर पंचायत बेल्था रोड वार्ड नंबर 6 पुरानी स्टेट बैंक गली। लाभ उठाने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा सलेमपुर के पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन के प्रांगण में दिन बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए। इस मौके पर मौजूद रहे समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बलिया के पूर्व जिलाध्यक्ष मतलूब अख्तर, सपा नेता आनंद यादव, सपा युवा नेता सोनू राजभर, शाहिद इलियास, हरेराम यादव, जिला पंचायत सदस्य जमाल अहमद, शशिकांत यादव, अवधेश भाई, जयराम राजभर, पूर्व प्रधान शाहिद समाजवाद, अमरजीत चौधरी, बब्बन यादव, जनार्दन यादव, प्रधान महेश यादव, मोहित अहमद उर्फ नन्हे भाई, गीता देवी, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर राजभर से हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत किया। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन प्रांगण में, और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलेमपुर लोकसभा से पूर्व सांसद विद्यार्थी रमाशंकर राजभर। आइए इनसे हम बात करेंगे। आज जो प्रदेश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष में ये लोग बैठने के लिए भूमिका निभाते रहते हैं, तो सीधे ले चलते हैं विद्यार्थी रमाशंकर राजभर के पास। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, उसी तर्ज पे ये बात करेंगे। तो न्यूज़ 9 भारत से इन्होंने बात करना चाहा, तो आपका स्वागत है न्यूज़ 9 भारत में। आज के डेट में जो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो का नारा दिया। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। डॉक्टर लोहिया, आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को याद करेंगे। उसी की चर्चा और तैयारी के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने सवाल किया है। भारतीय जनता पार्टी भय पैदा कर जनता में जनता को गुमराह कर, आप देखे होंगे ये पहला जनतंत्र है, लोकतंत्र है कि आजादी के बाद पहली बार किसान भयभीत है, नौजवान भयभीत है, व्यापारी भयभीत हैं, महिलाएं भयभीत हैं, छात्र भयभीत हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि सारी नौकरियां ठीके पर दे दी गई, बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी तलाश रहे हैं, कहीं मिलने वाले नहीं। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के मुताबिक भी दशा 10 बरस की रहती है,
और भारतीय जनता पार्टी की भी दशा 10 वर्ष होने जा रहा होगा और इस बार वो खत्म हो जाए। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए अभी ओम प्रकाश राजभर जो है इसके समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, अभी उनका लगातार बयान आ रहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो बूथ नहीं जितवा सकते हैं तो पार्टी को कहाँ से जिताएंगे, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, वो मजबूर है, मैं उनका दोष नहीं देता। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल जाने से बचने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलना उनकी मजबूरी थी, तो जेल से बढ़िया तो सुरक्षा मिलना है। लेकिन मेरा मानना है कि ओम प्रकाश जी को वह दिन याद, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बर्खास्त किया था मंत्रिमंडल से और बेइज्जत करके गठबंधन तोड़ करके उनको निकाला था, उस समय सहारा कौन दिया था? उस समय सहारा माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने दिया था, और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया था, सभी मंचों पर उन्हें सम्मान मिला। लेकिन वो घर के भी नहीं होंगे और घाट के भी नहीं होंगे, राजनीति में स्थिरता बड़ी चीज है और आगे आगे देखिए होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विद्यार्थी रमाशंकर राजभर जो पूर्व सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे न्यूज़ 9 भारत चैनल से बात किया। अब चलने का वक्त हो गया है, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। इस खबर के प्रायोजक हैं अयान मोबाइल सेंटर। अयान मोबाइल सेंटर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर केडीएम व अर्बन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। पता आदर्श नगर पंचायत बेलथा रोड वार्ड नंबर 6 पुरानी स्टेट बैंक गली। लाभ उठाने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 8736000039 8736000049। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।